त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बलियापुर प्रखंड के 23 पंचायतों में वोटिंग की प्रक्रिया पहले सुबह 7 बजे से जारी है। बूथों पर मतदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा। महिला हो या पुरुष, मतदाता अपनी अपनी वोटिंग की बारी का इंतजार कर रहे हैं। महिला मतदाताओं में कुछ खास उत्साह देखने को मिल रही है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन अधिकारी के द्वारा प्लस टू उच्च विद्यालय बलियापुर में रिसर्च सेंटर बनाए गए, जहां पर चुनाव कराने को लेकर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों सहित पुलिस बल की व्यवस्था की गई है, जहां से प्रखंड के विभिन्न मतदान केंद्रों में पदाधिकारियों सहित पुलिस भर भेज दिए गए हैं। बलियापुर प्रखंड में स्थित 23 पंचायत में 48,603 महिला वोटर सहित 1,15,25 अन्य मतदाता मतदान पर बलियापुर प्रखंड के 3 जिला परिषद सदस्य, 23 मुखिया, 28 पंचायत समिति सदस्य और 283 वार्ड सदस्य के किस्मत का फैसला करेंगे। इधर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने और विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सिंदरी डीएसपी अभिषेक कुमार, बलियापुर थाना प्रभारी श्वेता कुमारी, अंचल अधिकारी राम प्रवेश कुमार, सिंदरी थाना प्रभारी अहले सुबह से तमाम बूथों का निरीक्षण करते हुए नजर आए। प्रत्येक बूथ के 100 मीटर के दरमियान पर 144 धारा लागू कर दी गई है। इसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी सहित मोटरसाइकिल और जोनल पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। वह प्रत्याशी भी अपने अपने मतदान करते हुए, जी मैंने मतदान कर दिया है अपने बूथ पर और सभी बहुत उत्साहित हैं। इस एक वोट मिला पर्व जैसा लग रहा है और सभी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं और मुझे अभी हर बूथ पे जाना है और हर कमल निरीक्षण कर रही हूँ कैसा क्या हो रहा है, हर जगह सब सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। मैं खुद प्रत्याशी होकर जाकर हर मैंने बूथ में कुल कितने बूथ हो रहे हैं आपके? जी ये तो आगे बताएगा, मैं अभी जांच पड़ताल में बस लगी हूँ कि सब जगह अच्छी तरह से मतदान हो रहा है। अभी स्थिति क्या बनी हुई है बूथ में? स्थिति बहुत अभी अच्छी चल रही है, सब अभी सुबह अपना काम छोड़ के मतदान के लिए आ रहे हैं। सभी अपने मतदाता का जागरूकता दिखा रहे हैं कि मतदान का वोट का क्या महत्व है। सभी महिलाएं जो है सुबह हर इंसान डेली काम में बिजी रहती है, वो भी काम छोड़ के मतदान के लिए आ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अभी मुझे हर बूथ में जाना है।